हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द हेरिडिटी। हेरिडिटी इट्स मीन्स एनी कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। इनहेरिटेंस मीन्स इट इज द प्रोसेस एनी ट्रेट और कैरेक्टर विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। This experiment is done on the Pisum sativa. It is the garden pea. Pisum sativa. It is seasonal plant and get the result in few months. So it is selected by the Mendel's. Mendel ने इस plant को इसलिए select किया जिससे कि very easily रिजल्ट मिल जाते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। एंड यह सेवन कैरेक्टर्स रखता है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेंडल्स ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए इस पाइसम सटाइवा पे और उन्होंने थ्री लॉज दिया। एक इनके एक्सपेरिमेंट पे कोरेंस ने थ्री लॉज बनाए। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो अभी बता रहे हैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब इसमें क्या किया मेंडल ने, एक प्लांट टॉल लिया और दूसरा प्लांट डॉग लिया। One plant is tall and second plant is dwarf. And फिर इसको क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब पॉलिनेशन कराना, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन को लेकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे स्प्रे कर दिया। सो इट इज कॉल्ड द क्रॉस। When one character is taken, then it is called the monohybrid cross. Dominant character is written as capital letter and recessive character is written as स्मॉल लेटर। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करे उसे बोलते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है उसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो पहले जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसको हम लिखेंगे पैरेंटल, फिर उसके बाद क्रॉस कराने के बाद फिर गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे, देखिए टू गैमेट्स यहाँ बनेंगे, देन इसमें भी टू गैमेट्स के फॉर्मेशन होंगे। तो इट इज द गैमेट फॉर्मेशन। ये क्या हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन। अब इसके बाद क्रॉस कराएंगे, ये कैपिटल टी से स्मॉल टी रिजल्ट आएगा ये, देन फिर इस वाले से कराएंगे रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, आगे इस वाले कैपिटल टी से स्मॉल टी, फिर यहाँ कराएंगे ये याद रखिए कैपिटल टी इट इंडिकेट्स डोमिनेटिंग कैरेक्टर एंड स्मॉल टी इट इंडिकेट्स रिसेसिव। बट हियर इन द एफ वन जनरेशन क्रॉस कराने के बाद यहाँ लिखते हैं एफ वन जनरेशन, इसको हम लिखेंगे एफ वन जनरेशन। क्रॉस कराने के बाद देखेंगे तो इसमें जो रिजल्ट मिलता है वह क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 100% ये पूरे जो हैं जो मिले हैं ये हाइब्रिड टॉप, इसे बोलेंगे हाइब्रिड टॉप। जब इनका हम फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे देखेंगे, फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जिसको हम एक्सटर्नली देखते हैं कि ये टॉल प्लांट है या डॉग प्लांट है, सो इट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। तो फिनोटिपिकली यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप, जब हम इसे जीन्स के रूप में लिखते हैं तो दोनों जो इसकी रेशियो मिलती है वह 100%, यानी ऑल प्लांट्स
जो है क्या होंगे, वो हाइब्रिड टॉल होंगे। तो इस रिजल्ट से यह केस होता है, इट इज कंक्लूडेड दैट जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में दिखाई देता है और रेसेसिव कैरेक्टर इज एनबीटी। सो इन ऑल जितने भी आपने ये क्रॉस कराया इसमें क्या हो गया कि सारे टॉलनेस दिखेंगे और टॉपनेस कैरेक्टर जो है एनबीटी हो जाता है। तो ये कराता है 100% हाइब्रिड टॉल। इसका हम जब फिनोटिपिक रेशियो निकलते हैं तब भी देखते हैं कि ऑल प्लांट्स लंबे दिखाई देते हैं, इंटरमीडिएट टॉलनेस दिखाई देती है उसमें, और जीनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप किसको कहेंगे, जब हम ये जीन्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी जब हम जीन्स के रूप में लिखते हैं, यानी कि इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यह सारे के सारे इसी तरह से मिले हैं। जो चार हमारे जायगोट मिले हैं, दी जायगोट कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सो इट इज द ऑन हाइब्रिड टॉप। तो इस रिजल्ट से यह हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कॉलिंस ने प्रूव किया कि जब कैरेक्टर, जब ये टॉल प्लांट का हम ड्रॉप प्लांट से पाइसम सटाइलम के टॉल प्लांट का ड्रॉप प्लांट से मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो उसे मिला F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल, विच इंडिकेट्स कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि ये डॉग के भी जीन्स आर प्रेजेंट लेकिन दे अपने आप को एक्सप्रेस F1 जनरेशन में नहीं कर पाते। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल कॉलेज कंक्लूडेड और गिव द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो इसको हम कहते हैं कि मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस।